ये शेर के दांत, जीभ, बिल्कुल आंख। हाथी पर्वत दिखता है यहाँ से, एक त्रिशूल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करते हैं नए दिन की शुरुआत अपने नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं और पूजा पाठ हवन यज्ञ, मतलब ऐसा भव्य माहौल बनाया है उन्होंने, इतनी शांति मिलती है वहाँ। तो आपको मैं वो वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसको कैसे बाहर के जो फॉरनर लोग, अंग्रेज लोग कहते हैं जिसे, उसको किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से उसको बारे में आनंद और एक अनुभूति, मतलब एक मेडिटेशन टाइप का। तो वो पूरा आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और बड़े बड़े वो यज्ञ कराते हैं सब जने मिलकर स्वाहा स्वाहा करके। तो आज मैं आपको ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ हमारे फॉरनर लोग एक से एक बढ़िया प्रोग्राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा स्वाहा मंत्रों से जाप उच्चारण, ठीक है। तो आपको ले चलता हूँ मैं सीधे उस जगह पर, चलिए दोस्तों मेरे साथ। जी हैडा खान का गेट मेन और 1008 हैडा खान महाराज द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार, जय भोले बाबा की। यह है भोले बाबा की मूर्ति दोस्तों, और हैडा खान बाबा इधर को है। फिलहाल इधर को हो रही है अभी पूजा पाठ, मैं उधर को हो आता हूँ। देखाओ बढ़िया यज्ञ हो रहा है, नारियल आ गए हैं उधर, ये उधर हो आओ, ऊपर भी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो अष्टम नवमी को ये सही टाइम पर आ गए हम, ये हैडा खान बाबा। भाई नहीं जा रहे हो आप? अंदर हो रहा होगा कीर्तन। जी आगे देखो ये, ठीक है, ये देख बाबा जी आए, बचे कौन से, हाँ आ जाओ आ जाओ, जय बोल दो बाबा जी से। हाँ ये देख भाई, इसको पकड़ना है। काफ़ी भीड़ हो रही है आज, चहल पहल। जाओ जूता खोल लेना, एक जगह रख देना जूता, रोज़ के अड्डे पर खोलना है वहाँ पर। चहल पहल हो रही है आज, देख और दिनों सुनसानी होती थी, ये देख नहीं है। खोलो खोलो शाबाश, चलो अंदर घूम के आओगे अभी। ये देख ये लो फोटो खींच लो भाई बाबू। हाँ वो बंदर खाएगा बोल के वो किया है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ नहीं खा रहा है, देखो बंदर कितने लैपटॉप लेके भी चले हैं। यह है मेन हैडा खान का मंदिर। जरूर जी उसको ले जाता हूँ, दिखा के ला फटाफट बढ़िया ढंग से। तो है इतने रूप है इनके, दोस्तों अब हम आ गए हैं मेन मंदिर जो हैडा खान का है उसके अंदर, और यह है मेन बाबा जी का मंदिर। यह हैडा खान जी है, जय हैडा खान बाबा की जय हो। देख इधर को कहाँ है तू आज? और बाबा जी का मेन मंदिर वहाँ पर है, बाबा जी का मेन जो है मूर्ति वहाँ पर है। उधर को जाए देख, ये फसला नहीं आ रहा है, ये बने हो बढ़िया आ रही है। देखो ये शेर के दांत, जीभ, बिल्कुल आँख। हिमालय दिखेगा आप, जनवरी में अभी बर्फबारी नहीं हुई उतनी खास, कोहरा लगा है ना जरा सा। उत्तराखंड हिमालयन, हाथी पर्वत दिखता है यहाँ से, एक त्रिशूल। ये त्रिशूल वहाँ पर बना होगा। हाँ त्रिशूल की आकृति का देखना, देख इतने पर्वत दिखते हैं यहाँ से। हाँ ये नंदा देवी पर्वत भी दिख रहा है, ठीक है, नंदा कोट। ये
नंदा कोट, इतने पर्वत दिख रहे हैं यहाँ से। ये और ये है हेड़ा खान मंदिर, देखिए पूरा आज चहल पहल हो रही है काफी। अष्टमी नवमी है आज। इसको जूते पहना तो। ओम नमः शिवाय, सत्य सरलता और प्रेम। यह है हेड़ा खान मंदिर पूरा देखिए, यह इतना बड़ा है और ऊपर तक। देखो देखो ये देख, अलग अलग प्रकार के फूल ना, तोड़ना मना है भैया, तोड़ना नहीं है, नहीं तो मैं लाऊंगा नहीं है। अष्टमी नवमी को हम हेड़ा खान घूम आए हैं, रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और हमारे घर से भी 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़िया मंदिर है ये देखिए। अभी जाओगे जी? देखो कितना अच्छा हो रहा है तेरे, कस लाइक हो रहा है हेड़ा खान मंदिर में हमारे। ये देखिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये देखो ये कॉर्नर को देख के पिछले 1 घंटे से मेडिटेशन कर रही है और यहीं पर ही बैठी है, और मैं लगातार आगे से उनको फोकस बनाए हूँ। कनिकवार होने लगी, इसको बैठा दिया रुचि को, रुचि को कनिकवार में। ये देखो कन्याओं को पूजने लग गए हैं इधर। ये आज अष्टमी नवमी है, ये देखिए दोस्तों सभी आए हैं, और देखिए इनको भी, ये भी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं मैडम। ये सब फॉरनर हैं, ये देखिए जितने भी आए हैं सब बाहर के हैं, अंग्रेज लोग। ये
और यहाँ हवन कर रहे हैं सब मिलके। देखिए काफ़ी लोग आए हैं ऑल इंडिया के हेड़ा खान बाबा मंदिर में हमारे। ये मैडम आगे से लगी है एक घंटे से, देखिए मेडिटेशन भी कर रहे हैं और हमारे हिंदू संस्कृति को भी अपना रहे हैं। पूरा मतलब जो भी है स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ पूरा फिनिश कर रहे हैं। ये देखिए ये भाई साहब भी आए हैं लंबे बालों वाले, हाँ ये इधर फोटो भी खिंचा रहे हैं। ये भाई साहब भी लगे थे, ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा है बढ़िया शांति मेडिटेशन, मज़ा आ गया। ये देखिए और ये हमारा हेड़ा खान मंदिर है, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए फर्स्ट क्लास, यहाँ तीन झड़िया बात पता नहीं क्यों होनी जानी यो बाबा लभहरी पुरो दगा मैडम दगा चंदन पिठिया देखो। ये बाबा ये भी चले हैं परशुराम का उपाय। यज्ञ समाप्त हो गया दोस्तों, ये देखिए बढ़िया ढंग से, ये इतने नारियल और ये देखिए पूजा पाठ भी हो गए कर रहे हैं रुद्राक्ष की माला लेकर। पानी दे दो इनको पानी, शाबाश। दोस्तों ये देखिए यज्ञ समापन हो गया है, जितने भी फॉरनर हमारे विदेशी जो आए हैं अंग्रेज लोग, उन्होंने यहाँ यज्ञ कराया है बड़े अच्छे उससे सब ने मिल के। अब है भंडारे की तैयारी, अब चलते हैं हम भंडारे में दोस्तों। अब यज्ञ समाप्त हो गया है दोस्तों, भंडारा चला है हेड़ा खान मंदिर में। ये देखिए सब जाने लग गए श्रद्धालु और मंदिर हम घो आए हैं और इसके पीछे है रोड। ये मंदिर है पूरा, ये रहने का है, सब फॉरनर लोग रहते हैं यहाँ पर, ये अंग्रेज लोग। ये देखिए उन्हीं के उससे यहाँ पर भंडारा होता है, ये यज्ञशाला है। ये देखिए सब फॉरनर हैं, ये यहाँ भी हैं, वो देखिए सब फॉरनर हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर आज अष्टमी नवमी को कन्या पूजन और खाना भंडारा जो भी है इस तरह का कराया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा पहाड़ों से और दिखाते रहूँगा मैं नए नए प्रोग्राम। और मैं भी अपने दो बच्चों को लेके आया था यहाँ, इन्होंने भी भंडारा कर लिया है, दक्षिणा रुमाल जो भी है टॉफ़ी चॉकलेट और फ्रूटी सब मिल गई है इनको। ये देखिए तस्तरी इस तरह की, ये और इसको धुआं लग गया है छोटे को, ये देखिए